और मैं आज रोस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर अब्दुल नईम खान, माय फादर को रोस्ट करना चाहता हूँ। फूली रखी हुई माशाल्लाह से, यहाँ बिना मेकअप के तो ऐसे लगती हैं जैसे बंदरिया। बिल्कुल चिकन की पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। पहली चीज़ तो मैं इस ब्लॉग के अंदर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कल मैंने दो बातें बोली थी और वो दोनों बातों को लेके मेरे भाई हैं, एक बहुत अजीज़ हैं मेरे पास भाई, मेरे अनवर भाई, उन्होंने मुझे क्लियर करी। मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझाई। उन्होंने कहा कि हमेशा कभी भी कोई सवाल ऐसा करो तो उसमें यह कहना चाहिए कि अपनी नमाज़ कायम करें, क्योंकि पढ़ना जो है कि इंसान पढ़ता है फिर पढ़ के छोड़ देता है, तो इसलिए पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि नमाज़ कायम करें, किसी भी हाल में हो नमाज़ आप पे फ़र्ज़ है तो नमाज़ को कायम करें। दूसरी चीज़ मैंने ये बोला था कल वाले व्लॉग में कि रोज़े का जो, जैसे कोई रोज़े नहीं रख पाता या उसको कोई बीमारी है या उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ज़कात या कुछ ऐसा कुछ मैंने बोला था जाता है, तो उसका जाता है कफ़ारा। तो कफ़ारा जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों में लगता है, बहुत सारी चीज़ों का दिया जाता है, तो रोज़े का भी कफ़ारा दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से आज चौथी सहरी है। और तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है, तो चलें। तो अब हम आ चुके हैं किचन के अंदर और किचन के अंदर बाजी बना रही हैं रोटी तवे पे। इधर बाजी ने चाय चढ़ा दी है जो कि बाजी ने बनाया था आज आलू गोश्त, तो आलू गोश्त हम खाएंगे। तो हम तो भैया बैठ चुके हैं दस्तरखान पर, हमने खाना भी लगा दिया है और उधर दोनों बाजियां काम कर रही हैं, इधर रूशी। सब कुछ खा लिया पी लिया माशाल्लाह से। देखो मेरी बीवी कुरान शरीफ पढ़ रही है, देखो इसकी शक्ल देखो कैसी लग रही है, ऐसे नहीं होती ऐसे, देखो छोटा बच्चा लग रही है बिल्कुल, देखो लग ही नहीं रही तुम्हें रुशी। देखो अभी तो मैंने इनको ऐसे दिखा दिया, देखो इसकी एक बार शक्ल देखो, इसकी गोलगप्पे सी शक्ल देखो, ये देखो देखो आगे से बाल निकले हुए लड़कों वाले और ये शक्ल देखो, ये देखो कितनी जल्दी छुपका है। अरे भैया लड़कियों का जो है ये मेकअप का ही सिस्टम है, बिना मेकअप के तो ऐसे लगती हैं जैसे बंदरिया। बिल्कुल कैसे साइड से देख रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सहरी कर ली है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सहरी के टाइम पर मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, मैं इतना ज़्यादा नींदों में हो रही थी, शैल ने मुझे बार बार उठाया, तो मैं शैल से भी यही बोल रही थी कि आज मुझे सोने दो, मैं ऐसे ही रोज़ा रख रही हूँ बिना सहरी के। बट फिर सब ने मुझे फोर्स करा कि नहीं उठ जाओ, सहरी करके ही रोज़ा रखना चाहिए। वैसे तो होता है कि बहुत सारे लोग रख लेते हैं ऐसे भी, बट वो तो बाय चांस वाली बात होती है कि आपका सहरी नहीं करी, आप सोते रह गए, तो आपने सुबह नियत करके रोज़ा रख लिया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे उठाया, मैं उठी। चलिए आप लोगों से सुबह मिलेंगे, मैं अभी बहुत ज़्यादा नींदों में भी हो रही हूँ और आप लोगों से सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम, तो आप सभी लोगों को चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपको पता है कि अब अफ्तार का वक्त हो ही रहा है, चार बज चुके हैं, फिर उसके बाद असर की नमाज होगी, फिर उसके बाद अफ्तार का पूरा फाइनल वक्त हो जाएगा। तो हमारे जो है किचन के अंदर प्रिपेयरिंग चल रही है अभी, हुआ ये रहा माशाल्लाह से। और इधर बाप बाजी ने हंडिया चढ़ा दी, क्या बना रही बाजी आज आप? हरी मिर्च कीमा बन रहा है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह आज हरी मिर्च कीमा बनना है। सलाम करो, वालेकुम अस्सलाम, सलाम करो, वालेकुम अस्सलाम। गला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो अगली आवाज जो होगी वो ऋषि की होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो चलिए चलते किचन में, इफ्तार की प्रिपरेशन भी करनी है और बाकी सारी चीज़ें और बाकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन की पकौड़ियाँ, तो चिकन अभी मैरिनेट करके रख दिया है। तो अभी पालक की भी तैयारी चल रही है, सब्जी सारी रखी हुई माशाल्लाह से। यहाँ तो हमने मिर्चें ले ली हैं, करेले ले लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर से चलूँ माशाल्लाह भाई, भीड़ बहुत है, रश
दिन पे दिन रश बढ़ता जा रहा है। वैसे भी तो ले सकते हैं जो गली वाला हमारा, ये जो है कोने पे दुकान। अच्छा अंदर वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं घर आ चुका हूँ, मैंने करेले, मिर्च, बाजी की मिर्च कहने पे मोटी मिर्च ले ली है और गोश्त भी ले लिया है, और अब बनवाना है मुझे करेले कीमे। माशाल्लाह ये तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर सारी। और हाँ भैया इधर बन रहे हैं करेले कीमा। तो माशाल्लाह से आज सारी तैयारियां चल रही हैं, इधर गोश्त है, चिकन, करेले इधर तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से, चने और ये सारी चीजें हैं, और इधर मोटी मिर्च ये देखिए माशाल्लाह। आज बहुत सारी तैयारियां हो रही है हमारे घर के अंदर माशाल्लाह से, बहुत सारी तैयारी हो रही है। आज पैसा खर्च कर दिया हमारी बाजी ने, नौरीन बाजी ने आज सब बेहतरीन करके पैसा लगा दिया। पानी की टंकी बंद करवा दी, आवाज नहीं आ रही। हाँ मरियम ने क्या लाद माजी सीने में, मुझे पपी दो। ऊपर को देखो, लाइट में देखो, गोरा बच्चा, ये शानदार छक्का मार दे वो। तो ये है, प्रिपेयरिंग चल रही है इसकी, क्या कहते हैं, पकौड़ियां बनाने की। तो इसके अंदर मिर्च, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट ये जो ऊपर मसाला डाला हुआ है ना, ये हमारा खुद का बनाया हुआ मसाला है। 1 किलो का पैकेट था बेसन का, हमारी रूशी ने 3 दिन में खत्म कर दिया। मुबारक हो, वाह। ये जब पकौड़ी बनाती है ना तो आलू पे भर भर के बेसन चढ़ाती, मैं यूं ही तो कहूं यार, पकौड़ी इतनी मोटी क्यों हो रही है। हाँ मगर कल वाली पालक की पकौड़ी बहुत अच्छी थी, पालक की बहुत अच्छी थी। आज भी बननी पालक की? हाँ, बनेगी पालक की बनेगी। मगर ये चीज याद रखिएगा आप कि 1 किलो बेसन 3 दिन में खत्म, जितना मोटा आलू उससे मोटा बेसन चढ़ाती है उस पे। तो माशाल्लाह से देखिए ये मिर्चें हमारी भरी जा रही हैं, और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे ब्लॉग को पसंद कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको पसंद आ रहे होंगे। बट इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपको बाहर का ब्लॉग भी देंगे, हम प्लानिंग बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेहनत चल रही है, क्योंकि करेलों को अच्छे से धोना होता है, कड़वे रह जाते हैं, इनकी कड़वाहट नहीं जाती, इसलिए ना अच्छे से धोते हैं। तो हम इनसे मेहनत करा रहे हैं आज। जो टाल देता है मुश्किलों को, बस इतना ही होगा बाजी, अब नहीं होगा ये सब। हाँ बस यही डाल दे, इसमें तो मैंने चिकन भी बना दी। तो फ्रूट काट रही है आज अली सुबह, देखते हैं ये कैसे काटती है। मैं भी काटूं? जी नहीं, बड़े हो जाओ फिर काटना। जब आप बड़े हो जाओगे तो मम्मी की हेल्प करना, तब काटना, ठीक है। नो भी था तो बैठ जाओ आप, जब दूध हो जाएगा तो मैं रख दूंगी। गैस तेज है ना? अच्छा तेज। दिन पहले ही हमने मैगिनेट करके रख दिया था, तो ये काफी अच्छा हो गया है। अभी देखते हैं इसकी पकौड़ियाँ कैसी हैं। वैसे हो गया, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है। अभी और चीज़, अभी टाइम तो है, मैं ऊपर भी जाना है। चिकन की पकौड़ियाँ बनाई जा रही है, और ये बन बन के जिस आकार में निकल रही है वो आकार है इधर। माशाल्लाह भाई ये पकौड़ियाँ देखिए, हमारा करेले कीमा भी तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। और देखिए पकौड़ियाँ नहीं है ये, फिर किसकी चिकन पॉपकॉर्न है। अच्छा चिकन पॉपकॉर्न है ये चिकन पॉपकॉर्न बनाया जा रहा है भाई माशाल्लाह। नई नई वेराइटीज बना रही है घर के अंदर माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके कामों के अंदर बरकत अता फरमाए, इनको तंदुरुस्ती दे, जन्नत में इनके लिए घर बनाए। बहुत बढ़िया सा, मेरा नाक में को इसकी खुशबू आ गई, अल्लाह मेरी तौबा है, इसकी तो खुशबू भी लेना इस टाइम सही नहीं है। मुझे तो गंदा बना लगता है लेकिन ये हाथ सही होंगे क्या करें? हाथ सही होता है, कितना ही चम्मच से मिला लो पर जो हाथ से होता है सही मिलेंगे। और आप चल रहे आज मैंने मिक्स पकौड़ियां बनाई हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया, कुछ कुछ अलग अलग नहीं रखा, सारी चीजें एक साथ ही करी कचूं और बना के डाल।
करना करना सही है। थोड़ी 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 डाला, थोड़ी थोड़ी डाल के ना तब ले लेते, ये पानी ये सारा ऑयल चूस लेंगे ऑयल। कच्चा डाल भी नहीं सकते? नहीं, 12 साल के तो थे ही कुल, तो रोजा नहीं रखा, रोजा नहीं रखा तुमने, तुम बैठोगे ही नहीं। और हम कोरे पे वहाँ खड़े हुए रो रहे, वो दिखा रहे सारे हमारे बड़े पापा पापा सब, कोई नहीं कह रहा कि चलो कोई नहीं आ जाओ। दादी के आगे नहीं बोलते तो कोई नहीं बताओ। दस जुल्म आप पे बेचारों पे तो अभी रो रहे, पापा बेचारे, पापा ने भी बाद में कह के दादी से कहा बुला लो, चलो ठीक है पहले हम पहले खा ले फिर बैठा देना। चल्ला से दस्तरखान हमारा अफतारी का लग चुका है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देता हूँ कि आज अफतार में क्या क्या है। हमारी अफतार में माशाल्लाह से सारा सामान है, ये सारा सामान है माशाल्लाह से आज जब से बाजी आई है ना तब से तो हमें खाने को भी फालतू मिल रहा है, वरना तो 2-4 मिनट लगा देती है। ये औरत देख लो इनकी शक्ल, पकौड़ी रख दी और वो रख दी रसना पसना बना के बस, और ये रे बड़े मियां ये भी इसी चीज में टरका दे, बेटे नहीं हटाओ बेटे नहीं कम बनाओ। जब से हमारी बाजी आई है तब से हमारे को माशाल्लाह से फायदा हो रहा है। अल्लाह से आज इतनी सारी चीजें हैं तो मैंने की जैसे कि आपको बताया है, और मैं आज रोस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर अब्दुल नईम खान, माई फादर को रोस्ट करना चाहता हूँ, फुल रोस्ट कर दूंगा आज मैं उन्हें, ऐसा रोस्ट करूंगा कहीं पता लगे वही मुझे बातों में रोस्ट कर दें। चलो तो इंतजार चल रहा है अल्लाह के घर का, अल्लाह के घर की आवाज का, जब अल्लाह का हुक्म होगा तब हम रोजा खोलेंगे। लोबा की मतलब बिना रमजान के खाते पीते घूमते रहते, कुछ उठाया कुछ खा लिया, आप देखो कैसे बैठे, जब तक आवाज नहीं आई कोई हाथ नहीं लगा सकता इसमें, उसकी हिम्मत ही नहीं है। अल्लाह की शान है, ये भी अल्लाह की शान है, सब कुछ रखा हुआ छू नहीं सकते। रोजा खोल लीजिए आप भी हमारे साथ। हाँ मेरे खा पापा का अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने फोर्थ रोज़ा भी बिल्कुल स्मूथली निकाल दिया, पता ही नहीं चला, तो माशाल्लाह से 4 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और इन्हें देखिए आराम फरमा रहे हैं, अभी इन्हें तरावी के लिए भी जाना है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।